अग्नि पुराण के 51वां अध्याय में सूर्य आदि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों के वर्णन में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, भ्रमण 7 अश्वों से जुते हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्य देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में 2 कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावत और कमल लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्यदेव के पार्षद हैं। भगवान सूर्यदेव के उभय पार्श्व में बाल व्यंजन चवर लिए रागी तथा निष्प्रभा खड़ी है, अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वरद मुद्रा, 2-2 कमल और शस्त्र लिए क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित दिखाने चाहिए। 12 दलों का 1 कमल चक्र बनावें, उसमें सूर्य, अर्यम्मा आदि नाम वाले 12 अतिथियों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करें। यह स्थापना वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से आरंभ करके नैऋत्य कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। उक्त आदित्यगण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुग्धर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हुए हों। अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य तक, नैऋत्य से वायव्य तक, वायव्य से ईशान तक और वहां से अग्नि कोण तक के दलों में उक्त आदित्यों की स्थिति जाननी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं, वरुण, सूर्य, सहस्त्रांशु, धाता, तपन, सविता, गवस्तिक, रवि, पर्जन्य, तवस्ता, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों एवं राशियों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। इनके अंग कांति क्रमशः काली, लाल, कुछ कुछ लाल, पीली, पांडुवरण, श्वेत, कपिलवरण, पीतवरण, तोते के समान हरी, धवलवरण, धूम्रवरण और नीली है। इनकी शक्तियां 12 कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, इडा, शुमना, विश्रार्ची, इंदो, परमर्दिनी, प्रवर्धनी, परहर्षिनी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनी, नीलांबरा, वनांतस्था और अमृताख्या। वरुण आदि की जो अंग कांति है वही इन शक्तियों की भी है। केसरों के अग्र भागों में इनकी स्थापना करें। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विकराल है। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल और खड़ग धारण करते हैं। चंद्रमा कुंडिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षमाला शोभित होती है। बुध के हाथों में धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुंडिका और अक्षमाला धारी है। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षमाला शोभित होती है। शनि किंकनी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्रधारी हैं तथा केतु के हाथ में खड़ग और दीपक शोभा पाते हैं। अनंत, तक्षक, कंकरोटक, पदम, महापदम, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख्य हैं। ये सब के सब महान प्रभा पुंज से उद्भासित होते हैं। इंद्र वजधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। अग्नि देव शक्ति धारण करते हैं। यम दंडधारी हैं और भैंसे पर आरूढ़ होते हैं। नैऋति खड़गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी है और मृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़ पर चढ़ते हैं और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्ष सूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक असुर को दबा रखा है। किन्नर मूर्तियां हाथों में वीणा लिए हों और विद्याधर माला धारण की आकाश में स्थित दिखाई जाएं। पिशाचों के शीर दुर्बल कंकाल मात्र हों। वेतालों के मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूरधारी बनाए जाएं। प्रेतों के पेट लंबे और शीर कृश हों।
52वें अध्याय में 64 योगिनी आदि की प्रतिमाओं के लक्षण में श्री भगवान बोले, ब्रह्मन अब मैं 64 योगिनियों का वर्णन करूंगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्व दिशा से लेकर ईशान पर्यंत है। इनके नाम इस प्रकार हैं, अशोभ्या, रुक्षकर्णी, राक्षी, शपना, शमा, पिंगाक्षी, अक्षया, शेमा, इला, नीलाल्या, लूला, रक्ता, बलाकेशी, लालसा, विमला, दुर्गा, विशालाक्षी, हृंकारा, वड़वामुखी, महाक्रूरा, क्रोधना, भयंकरी, महान्ना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, ह्यायन्ना, सारा, रस संग्राही, शबरा, ताल जंगिटका, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, विष्णुजिहा, क्रंकनी, मेघनादा, प्रचंडा, उग्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चंडा, चंडवती, प्रपंचा, प्रलयांतिका, शिशुवक्त्रा, पिशाची, पिशिता, धमनी, तमनी, तपनी, रागनी, विकृतनना, वायुवेगा, बृहत्कुक्षी, विकृता, विश्वरूपिका, यमजिहा, जयंती, दुर्जिया, जयंतिका अथवा यमंतिका, बिडाली, रेवती, पूतना तथा विज्ञान्तिका। योगिनियां 8 अथवा 4 हाथों में युक्त होती हैं, इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। भैरव के 12 हाथ हैं, उनके मुख में ऊंचे दांत हैं और वे सिर पर जटा एवं चंद्रमा धारण करती हैं। उन्होंने एक और के 5 हाथों में क्रमशः खड़ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत को अभय प्रदान करने वाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरे और के 5 हाथ धनुष, त्रिशूल, खटवांग, पाशकार्ध तथा वर की मुद्रा से शोभित है। शेष 2 हाथों में उन्होंने गज चर्म ले रखा है, हाथी का चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे सर्प में आभूषणों से भूषित हैं। प्रेत पर आसन लगाए पात्रकाओं के मध्य भाग में विराजमान है, इस रूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भैरव के 1 या 5 मुख बनाने चाहिए। पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण तक विलोम क्रम से प्रत्येक दिशा में भैरव को स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करें। बीज मंत्र को 8 दीर्घ स्वरों में से 1-1 करके द्वारा भेदित एम अनुस्वार युक्त करके उस दिशा के भैरव के साथ संयुक्त करें और उन सब के अंत में नवा पद को जोड़े, यथा ओम ह्राम भैरवाय नमः प्रवच्याम, ओम ह्रीम भैरवाय नमः ऐशन्याम, ओम ह्रोम भैरवाय नमः उदित्याम, ओम ह्रैम भैरवाय नमः वायव्ये, ओम ह्रैम भैरवाय नमः प्रतीच्याम, ओम ह्रीम भैरवाय नमः नृत्याम, ओम ह्रीम भैरवाय नमः आवच्याम, ओम हरम भैरवाय नमः आग्रेव्याम। इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा क्रमशः उन दिशाओं में भैरव का पूजन करें। इनमें से 6 बीज मंत्रों द्वारा अष्टंग न्यास एवं उन अंगों का पूजन भी करना चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार है, भैरव जी मंदिर अथवा मंडल के आग्नेय दल अर्थात अग्निकोणस्थ दल में विराजमान स्वर में रसना से युक्त नाद बिंदु एवं बिंदु इंदु से शोभित तथा मात्रक अधिपति के अंग से प्रकाशित है। ऐसे भगवान भैरव का मैं भजन करता हूँ। वीरभद्र विशर पर आड़ूढ़ हैं, वे मातृकाओं के मंडल में विराजमान और 4 भुजाधारी हैं। गौरी 2 भुजाओं से युक्त और त्रिनेत्र धारणी है, उनके 1 हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण है। ललिता देवी कमल पर विराजमान है, उनके 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, कमंडल, कुंडी और वरदान की मुद्रा धारण करती हैं। स्कंद की अनचरी मात्र गणों के हाथों में दर्पण और शलाका होनी चाहिए। चंडिका देवी के 10 हाथ हैं, वे अपने दाहिने हाथों में बाण, खड़ग, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती हैं और बाएं हाथों में नागपाश, ढाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिए रहती हैं। वे सिंह पर सवार हैं और उनके सामने शूल से मारे गए महिषासुर का शव है।
53वें अध्याय में लिंग आदि के लक्षण में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, कमल उद्भव, अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूं, सुनो। लंबाई के आधे से 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग को त्याग दें और शेष 5 भागों से चकोर विष्कम्ब का निर्माण करावें, फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1, 2 और 3 के क्रम से अलग अलग रखें। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का, तीसरा शिव का। उन भागों में ये वर्धमान भाग कहा जाता है। चकोर मंडल में कौन सूत्र के आधे माप को लेकर उसे सभी कोनों में चिंतित करें। ऐसा करने से 8 कोनों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तंत्र उसे षोडश कोण और फिर 32 कोनों से युक्त करें। तत्पश्चात 64 कोनों से युक्त करके वहां गोल रेखा बनावे। तंत्र श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरो भाग का कर्तन करे। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करे। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छत्राकार सिर का निर्माण करे होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वह सम भाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विष्कम्ब बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्म आदि और रुद्र भाग के निकटस्थ है, लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करे। वैमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है उसे अंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है उसे 8 जो बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को एक एक जो छोटा कर देना चाहिए। उपयुक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के एक भाग को छोड़ दे। शेष दो भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दें। पांचवें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावें और एक भाग को छोड़कर बीच में उन दो रेखाओं का संगम करावे। ये लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया। आप पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूं, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला की स्थापना करे और उस शिला के ऊपर ही उत्तम रीति से कर्म का संपादन करे। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करे। दो भाग की ऊंचाई को पीठ समझे। चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खात करके उसे 3 भागों में विभाजित करे। अपने मान के आधे त्रिभाग से बाहुल्य की कल्पना करे। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनावे और मेखला के ही तुल्य गड्ढा तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न रखे। मेखला के 16वें अंश से खात निर्माण करे और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकारांग कहते हैं, करावे। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो। एक भाग से पिंडिका बने। 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट्ट बने। 1 भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कट पर्यतन एक एक भाग प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्मल जल निकलने का मार्ग बनाया गया। ये शेष पट्टिका तक रहे। परनाल अर्थात नाली के तृतीय भाग में निर्गम बनाना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगली के अग्र भाग के बराबर विस्तृत खात बनावे, जो तृतीय भाग से आधे विस्तृत का हो। ये खात उत्तर की ओर जाए। ये पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया गया है। 54वें अध्याय में लिंगमान एवं व्यक्त अव्यक्त लक्षण आदि के वर्णन में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, भ्रमण, अब मैं दूसरे प्रकार से लिंग आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। लवण तथा घृत से निर्मित शिवलिंग बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। वस्त्र में लिंग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तत्कालिक केवल एक बार ही पूजा के उपयोग में आने वाला लिंग माना गया है।
मृतका से बनाया हुआ शिवलिंग दो प्रकार का होता है, पक् और अपक्। अपक्व से पक् श्रेष्ठ माना गया है, उसकी अपेक्षा काष्ठ का बना हुआ शिवलिंग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठ में लिंग से प्रस्तर का लिंग शेष है, प्रस्तर से मोती का और मोती से स्वर्ण का बना हुआ लोह लिंग उत्पन्न माना गया है। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न तथा रस पारद का बना हुआ शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला एम श्रेष्ठ है। रस अर्थात पारद आदि के लिंग को रांगा, लोहा, स्वर्ण, तांबा आदि तथा रत्न के भीतर आबद्ध करके स्थापित करें। सिद्ध आदि के द्वारा स्थापित संभव लिंग आदि के लिए माप आदि करना अभिष्ट नहीं है। मानलिंग अर्थात नर्देशर के लिए भी यही बात है, अर्थात उसके लिए भी वह इतने उंगल का हो, इस तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। जैसे शिवलिंगों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पीठ और प्रसाद का निर्माण करा लेना चाहिए, सौर्यमंडलस्थ शिवलिंग को दर्पण में प्रतिबिंबित करके उनका पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र पूजनीय हैं, किंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। प्रस्तर का शिवलिंग एक हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ट में लिंग का मान भी ऐसा ही है। चल शिवलिंग का स्वरूप अंगुल मान के अनुसार निश्चित करना चाहिए तथा स्थिर लिंग का द्वार मान, गर्भमान तथा हस्तमान के अनुसार ग्रह में पूजित होने वाला चल लिंग एक उंगल से लेकर 15 उंगल तक का हो सकता है। द्वारमान से लिंग के 3 भेद हैं, इनमें से प्रत्येक के गर्भमान के अनुसार 9 भेद होते हैं, इस तरह कुल 27 हुए। इसके अतिरिक्त कर्मान से 9 लिंग और हैं, इनकी देवालय में पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सबको एक में जोड़ने से 36 लिंग जानने चाहिए। ये ज्येष्ठ मान के अनुसार है। मध्यम मान से और अधम मान से भी 36 शिवलिंग है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार समस्त लिंगों को एकत्र करने से 108 शिवलिंग हो सकते हैं। 1 से लेकर 5 उंगल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 उंगल तक का चल लिंग मध्यम कहा गया है और 11 से लेकर 15 उंगल तक का चल शिवलिंग ज्येष्ठ जानने योग्य है। महामूल्यवान रत्नों का बना हुआ शिवलिंग 6 उंगल का तथा रत्नों से निर्मित शिवलिंग को 9 उंगल का, स्वर्ण भार का बना हुआ 12 उंगल का तथा शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 उंगल का होना चाहिए। लिंग शिला के 16 अंश करके इसके ऊपरी 4 अंशों से पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल ले, फिर 32 अंश करके उसकी दोनों कोणवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर दे, फिर उसमें 4 अंश मिलाने से काष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि 20 अंश का कंठ होता है और वह पार्श्ववर्ती अंगों को मिटाने से ज्येष्ठ चल लिंग बनता है। प्रसाद की ऊंचाई के मान को 16 अंशों में विभक्त करके उसमें से 4, 6 और 8 अंशों द्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वारा निर्मित होता है। द्वार की ऊंचाई में से 1/4 कम कर दी जाए तो वह लिंग ऊंचाई का मान है। शिव शिला के घर में आधे भाग तक की ऊंचाई का शिवलिंग अधम होता है और 3/3 15 अंशों के बराबर की ऊंचाई का शिवलिंग ज्येष्ठ कहा गया है। इन दोनों के बीच में बराबर की ऊंचाई पर 7 जगह सूत्रपात सूत पर रेखा करें। इस तरह 9 सूत्र निर्मित रेखा चिन्ह होंगे। इन 9 सूतों में से 5 सूतों की ऊंचाई की माप का शिवलिंग मध्यम होगा। लिंगों की ऊंचाई या ऊंचाई उत्तरोत्तर 2-2 अंश के अंतर में होगी। इस तरह लिंगों की धीकता बढ़ती जाएगी और 9 लिंग निर्मित होंगे। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाएं तो पहला लिंग 1 हाथ का होगा, फिर दूसरे के माप में पहले से 1 हाथ बढ़ जाएगा।
इस प्रकार जब तक 9 हाथ की लंबाई पूरी ना हो जाए तब तक शिला या काष्ठ की माप में एक एक हाथ बढ़ते जाएंगे। ऊपर जो दीन, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं उनमें से प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष एक लिंग में विधान पूर्वक 3-3 लिंग का निर्माण करावे। 6 उंगल और 9 उंगल के शिवलिंगों में भी 3-3 लिंग निर्माण करावे। स्थिरलिंग, द्वारमान, गर्भमान और हस्तमान इन 3 दीर्घ प्रभागों मापों के अनुसार बनाना चाहिए। उक्त 3 मापों के अनुसार ही उसकी 3 संज्ञाएं हैं, भगेश, जलेश और द्विवेश। विष्कम्भांग विस्तार के अनुसार लिंग के और रूप लक्षित करें। दीर्घ प्रमाण के अनुसार संपादिता होने वाली 3 रूपों में निर्दिष्ट लिंग को शुभ, आय आदि से युक्त करके निर्मित करावें। उन त्रिविध लिंगों की ऊंचाई 4 या 8-8 हाथ की हो, ये अभिष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्व रूप अथवा त्रिगुण रूप है। जो लिंग जितने हाथ का हो उसका उंगल बनाकर आय संख्या 8, ज्वर संख्या 7, भू संख्या 5 तथा अग्नि संख्या 3 से पृथक पृथक भाग दे। जो शेष बचे उसके अनुसार शुभ अशुभ फल को जाने। ध्वज आदि आर्यों में से ध्वज, सिंह, हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ है। अन्य 4 आय अशुभ हैं। 7 संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर का निश्चय करें। स्वर में षडज, गंधार और पंचम शुभदायक है। 5 से 5 देने पर जो शेष बचे उसी के अनुसार पृथ्वी आदि भूतों का निश्चय करें। भूतों में पृथ्वी ही शुभ है। 3 से भाग देने पर जो शेष रहे तद अनुसार अग्नि जाने। अग्नियों में आवाहनीय अग्नि ही शुभ है। उक्त लिंग की लंबाई को आधा करके उसमें 8 से भाग देने पर यदि शेष 7 से अधिक हो तो वह लिंग आड्य कहा जाता है। यदि 5 से अधिक शेष रहे तो वह अनाड्य है। यदि 6 अंश से अधिक शायी हो तो वह लिंग दिव्य है। और यदि 3 अंश से अधिक शेष हो तो उस लिंग को अर्थतुल्य माना जाता है। वे चारों ही प्रकार के लिंग चतुष्कोण होते हैं। 5वां वर्धमान संज्ञक लिंग है। उसमें व्याप्त से नाह बड़ा हुआ होता है। व्यास के स्वरूप ना एम व्याधि से एम व्यास से बड़ा हुआ नाह। इस प्रकार इन लिंगों के 2 भेद हो जाते हैं। विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार इन सब के बहुत से भेद बताए जाएंगे। आड्य आदि लिंगों की स्थूलता आदि के कारण 3 भेद और होते हैं। उनमें एक एक यव की वृद्धि करने से वे सब 8 प्रकार के लिंग होते हैं। फिर हस्तमान से जिन संज्ञक लिंग के भी मौन भेद होंगे उनको सत्ता लिंग में जोड़ लिया जाएगा। अनाड्य, देवर्चित और अकृतुल्य में भी 5-5 भेद होने से वे 25 होंगे। वे सब एक जिन और भक्त भेदों से 75 हो जाएंगे। सब का आकलन करने से 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इस तरह 8 अंगुल के विस्तार वाला लिंग भी 1 अंगुल मान, हस्तमान एवं गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त है। इन सब के कोण तथा अर्धकोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों का छेदन विभाजन करें। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को ही प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, उधर और अधर इन विभागों की स्थापना करें। मध्यम विभाग से ऊपर का अष्टकोण या षोडश कोण वाला विभाग शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधोभाग है, ये ब्रह्मा का अंश है तथा जानु से नाभि पर्यंत लिंग का मध्यम भाग है, जो भगवान विष्णु का अंश है। मूर्धांत भाग भूत भागेश्वर का है।
व्यक्त अव्यक्त सभी लिंगों के लिए ऐसी ही बात है। जिस शिवलिंग में पांच लिंग की व्यवस्था है वहां शिरोभाग गोलाकार होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। वे गोलाई छत्राकार हो, मुर्गी के अंडे के समान हो, नवोदित चंद्र के सदृश हो या पुरुष के आकार की हो। पुरुष आकृति के स्थान में त्रपुषाकृति पाठ हो तो गोलाई त्रपुष के समान आकार वाली हो, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकार एक एक के चार भेद होते हैं। कामनाओं के भेद से इसके फल में भी भेद होता है, ये बताऊंगा। लिंग के मस्तक भाग का विस्तार जितने उंगल का हो उतनी संख्या में आठ से भाग दें। इस प्रकार मस्तक को आठ भागों में विभक्त करके आदि के जो चार भाग हैं उसका विस्तार और ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करें। एक भाग को छांट देने से पुंडरीक नामक लिंग होता है। दो भागों को लुप्त कर देने से विशाल संज्ञक लिंग होता है। तीन भागों को उच्छेद कर देने पर उसकी श्रीवत्स संज्ञा होती है। चार भागों के लोप से उस लिंग को शत्रु कारक कहा गया है। शिरोभाग सब ओर से सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देव पूज्य लिंग में मस्तक भाग कुकट के अंड की भांति गोल होना चाहिए। चतुर भागात्मक लिंग में से ऊपर का दो भाग मिटा देने से त्रिपुष नामक लिंग होता है। ये त्रिपुष अनाढ्य संज्ञक शिवलिंग का सिर माना गया है। अब अर्धचंद्राकार सिर के विषय में सुनो। शिवलिंग के प्रांत भाग में एक अंश के चार अंश करके एक अंश को त्याग दिया जाए तो वह अमृताक्ष नामक धारण करता है। दूसरे तीसरे और चौथे अंश का लोप करके क्रमशः उन शिवलिंगों की पूर्णेंदु बालेंदु तथा कुमद संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनों को मुख लिंग भी कहते हैं। अब मुख लिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग की त्रिविध कल्पना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा तथा पद पूजा पूर्व द्वादशांश का त्याग करके छह भागों द्वारा छह स्थानों की अभिव्यक्ति करें। सिर को ऊंचा करना चाहिए तथा लाट नासिका मुख चिबुक तथा ग्रीवा भाग को भी स्पष्टता व्यक्त करें। चार भागों या अंशों द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रों को प्रकट करें। प्रतिमा के प्रमाण के अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तार के अष्टमांश से चारों मुखों का निर्माण करें। प्रत्येक मुख पर सब ओर से सम होना चाहिए। ये मैंने चतुर्मुख लिंग के विषय में बताया है। अब त्रिमुख लिंग के विषय में बताया जाता है। सुनो, त्रिमुख लिंग में चतुर्मुख की अपेक्षा कान और पैर अधिक होते हैं। लाट आदि अंगों का पूर्वत निर्देश करें। चार अंशों से दो भुजाओं का निर्माण करें जिनका पिछला भाग सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो। विस्तार के अष्टमांश से तीनों मुखों का विनर्गम प्राकट्य हो। अब एक मुख लिंग के विषय में सुनो। एक मुख पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। उसके नेत्रों में सौम्य भाव रहे, उग्रता ना हो। उनके ललाट नासिका मुख और ग्रीवा में विवर्तन विशेष उभाड़ हो। बाहु विस्तार के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण होना चाहिए। एक मुख लिंग को बहुरहित बनाना चाहिए। एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हित कर कहा गया है। मुख युक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या कुकटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। 55वें अध्याय में पिंडिका के लक्षण में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में तो प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उसकी आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उस अर्धभाग के बराबर ही वह सुविस्तृत हो अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके एक तिहाई भाग को लेकर मेखला बनावें। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। ये खात उत्तर दिशा की ओर नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के एक चौथाई भाग से जल के निकलने का मार्ग पर नाल बनाना चाहिए। मूल भाग में उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के एक तिहाई भाग के तथा पिंडिका के आगे आधे भाग के बराबर वह जल मार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो।
इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग में गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भाग को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भागों को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम और पट्टिका आदि में विभाजित करें। ये सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रासाद के द्वार के दैर्ध्य विस्तार के अनुसार प्रतिमा ग्रह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और व्याल, सर्प या व्याघ्र आदि की मूर्तियों से युक्त सतत देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्री हरि की पिंडी का भी सदा यथोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वही मान बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है, तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी वही मान बताया गया है जो श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। अग्नि पुराण के 56वें अध्याय में प्रतिष्ठा के अंग भूत मंडप निर्माण, तोरण स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग के वर्णन में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए इच्छा अनुरूप फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वे मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इसमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे ही तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे छोटे घड़ों और चंदोवों आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों का प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्तिपालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठावे। वे वेदों के पारंगत हों। चकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गुलर, वट और प्लक्ष के वृक्ष के काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके स्योना पृथ्वी 9 इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मंगल अंकुर, आम्र पल्लव, यव अंकुर आदि से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगल की हो। सुरश्रेष्ठ, उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुणवरण, अग्निवरण, धूम्रवरण, कृष्ण, शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत, ये वरण क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पकवे हों कि सुपक को बिम्बफल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आडक जल से पूर्ण भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि काल दंड नामक योग ना हो। उन सभी कलशों में स्वर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोनों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें।
उस समय अजिग्र कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें, ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र यहां आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं से ही ताप को नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्राता मिंद्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करे। इसके बाद अग्निदेव का आवाहन करे। बकरे पर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अग्निदेव आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। ये पूजा ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। तदंतर अग्नि मूर्धा इत्यादि से अथवा अग्नि नमा इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन, महिष पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्य पुत्र यम आप यहाँ पधारिये और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके व्यवस्तम संगमन्नम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। नरिति का आवाहन, बल और वाहन से संपन्न खड़गधारी निरिति आइए, आपके लिए ये अर्ध है, ये पाद्य है, आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके एश ते निरिते इत्यादि से मनुष्य अर्ध आदि उपचारों द्वारा नैऋत्य की पूजा करें। वरुण का आवाहन, मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके उरम ही राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देव का अर्ध्यादि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन, अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। वात आवातो इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायव्य इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन, बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोमम राजानम इत्यादि से तथा सोमाय नमा इस मंत्र से सोम की रक्षा करें, सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन, वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान पधारिए और यज्ञ मंडप के ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमस्य इत्यादि से अपना ईशानाय नमा इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मा का आवाहन, हाथ के अग्रभाग में स्त्रुक वस्तुवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजम्मा ब्रह्मा जी आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की उधर दिशा की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्य गर्भ इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्रह्म ने इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा करें। अनंत का आवाहन, कच्छप की पीठ पर विराजमान नागनों के अधिपति चक्रधारी अनंत आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, अनंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमस्तु सर्वे सर्पेभ्यो इत्यादि से अथवा अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। कलश अधिवास की विधि के वर्णन में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करे वहां नरसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्न युक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्री हरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों अर्थात कमंडलुओं का पूजन करें। अविच्छिन्न धारा से वेदी का सिंचन करके वहां ब्रीही अर्थात धान जौ आदि को संस्कार पूर्वक बिखेरें तथा कलश को प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्र वेष्टित कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। तत्पश्चात योग्य योग्य इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करें।
स्नान मंडप में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तूलिका अर्थात रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्या अधिपतियों अर्थात भगवान विष्णु के ही विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पौर आदि दिशाओं में क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित चार कलशों में स्नान उपयोगी सब द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गुल्लर, पीपल, चंपा, अशोक, बिल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम, मोल, सीरी और आम के पल्लों को लाकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दूर्वा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्र गामनी, नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषता गंगा की मृतिका, गोबर, जौ, अग्नि, धान का चावल और तिल छोड़े। उत्तर के कलश में विष्णु पर्णी अर्थात भुई आंवला, शाल पर्णी, भृंगराज, स्तावरी, सहदेवी, बच्च, सिंगी, बला, व्याघ्री और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़े। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़े। अग्नि कोणस्थ दूसरे कलश में बांबी आदि सात स्थानों की मिट्टी छोड़े। नैऋत्य कोणवर्ती अन्य कलश में गंगा जी की बालू और जल डाले तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सुकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सिंगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल की जड़ के पास की मिट्टी तथा इतर कलश में कुश के मूल भाग की मृतिका डालें। इसी तरह किसी कलश में तीर्थ और परतों की मृतिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग, केसर के फूल और केसर छोड़े। किसी कलश में चंदन, अग्रु और कपूर से पूरित जल भरे और उसमें वैदूर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये पांच रत्न डालें। इन सबको एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़े। 81 पद वाले वास्तु मंडल में अन्य कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सबको श्री सूक्त से अभिमंत्रित करें। जो सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्ध के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दे। कमल, श्यामलता, दुर्वा दल, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पाद्य निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करे। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखे। कंकोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखे। अग्नि कोण में दुर्वा और अक्षत से युक्त एक पात्र नीराजन आरती उतारने के लिए रखे। वायव्य कोण में उद्वर्तन पात्र तथा ईशान कोण में गंध पिष्टि से युक्त पात्र रखे। कलश में सुरमानसी, जटामानसी, आंवला, सहदैया तथा हल्दी आदि छोड़े। नीराजन के लिए 68 दीपों की स्थापना करें। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प स्वर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें। 98 अध्याय में भगवत विग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करे और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करे। तंत्र गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करे। तंत्र मूर्ति पालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला अर्थात कारीगर की कर्मशाला में जाए। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सोत्र कंकन आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णुवे शिपि विष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करे। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी वस्त्र, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए।
मंडल में स्वस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, विश्वकर्मा की बनाई हुई दिवेश्वरी प्रतिमे तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्ब तुम्हें नमस्कार है। ईश्वरी, मैं तुम में निरा में नारायण देव का पूजन करता हूँ। तुम शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धिशाली बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए, शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करे, गुरु को गौदान दे, चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्र उन्मीलन करे, अग्निर्ज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करे, फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करे। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प घी सरसों दुर्वा दल तथा कुशग्र इष्ट देव के सिर पर चढ़ावे। इसके बाद मधु वाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करे। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमम में वर्ण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करे। तत्पश्चात पुनः घृतवती ऋचा का पाठ करते हुए घृत का अभ्यंग लगावे। इसके बाद मसूर के वेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवा इत्यादि मंत्र का कीर्तन करे। फिर सप्तते अग्ने इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करे। तंतर द्रुपद देव इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और आपोहिष्टा इत्यादि से अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल में स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावे। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृतका और कलश के जल से स्नान करावे। शन्नो देवी इत्यादि तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को नहलावे। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से पांच प्रकार की मृतकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावे। इसके बाद इमम में गंगे जमने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घट के द्वारा भगवान जी को स्नान करावे। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा, यज्ञा यज्ञा इत्यादि मंत्र से आमले आदि कसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा, पया पृथ्वीयाम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान जी को नहलावे। विश्वरत चक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा, सोमम राजा नाम इस मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा, विष्णु रराटम मसी इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हंस शुचि इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान जी को उद्धर्तन स्नान करावे। मूर्दानम दिवो इत्यादि मंत्र से आमले मिले हुए जल के द्वारा, मां नस्तोके इत्यादि मंत्र से जटामासी मिश्रित जल के द्वारा, गंध द्वारम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इद माप इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तु मंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान जी को नहलावे। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान जी को संबोधित करके कहे, भगवान समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आवाहन करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगल सूत्र खोल दें। उसे खोलते समय मुंचामी त्वा इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दें। तदंतर हिरण्यमयन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवा इत्यादि मंत्र से अर्ध दें। फिर मधुवाता इत्यादि मंत्र से मधुपर्क देकर मई गृहामी इत्यादि मंत्र से आचमन करावे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष अक्षमिन इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान जी के श्री अंगों पर दुर्वा एवं अक्षत बिखेरे, कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मंचन करे, गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करे, उन्यामी इस मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पितृक अर्पित करे, बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावे,
वेदामितम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करे। महावर्तेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को छिड़ावे। तंतर धूर्सी इस मंत्र से धूप दे। विभ्राट सुख से अंजन अर्पित करे। युज्यंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे। तथा धीर्तवाय इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। इंद्र शत्रम भी इत्यादि मंत्र से छत्र। विराट मंत्र से दर्पण। विकरण मंत्र से चवर। तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करे। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यंजन मुंचामितवा इस मंत्र से फूल और वेद आदि प्रणव युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री हरि की स्तुति करे। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिव आदि देवताओं पर इस प्रकार चढ़ावे। भगवान जी को उठाते समय सुपर्ण सूक्त का पाठ करे। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान जी को उठावे और मंडप में शैया पर ले जाए। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करे। ब्रह्मस्तम पालकी आदि के द्वारा भगवान जी को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूक्त से तथा श्रीष्ठ लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तंत्र भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करे। सिंह वृषभ हाथी व्यजन कलश विजंती पताका भैरी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अक्ष सूत्र का पाठ करते हुए भगवान जी को दिखावे। त्रिपात इत्यादि मंत्र से भगवान जी के चरण प्रांत में पात्र विशेष उसका ढक्कन अंबिका कड़ाही दर्विका करछुल पात्र ओखली मूसल सिल झाड़ू भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखे। उनके सिर की और वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करे जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घाट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान जी के शयन की विधि बताई गई है। 59वें अध्याय में अधिवास विधि के वर्णन में श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, भ्रमण श्री हरि का सानिध्यकरण अधिवासन कहलाता है। साधक ये चिंतन करे कि मैं तथा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करे। तंतर चैतन्य अभिमानी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करे। ऐसा करके स आत्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दे। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा पृथ्वी को अग्नि बीजम रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दे। अर्थात ये भावना करे कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया। फिर वायु में अग्नि को विलीन करे और आकाश में वायु का लय कर दे। अधिभूत अधिदेव तथा आध्यात्मिक वैभव के साथ समस्त भूतों को तन्मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करे। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करे। अव्याकृत प्रकृति अर्थात माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करे। उन्हीं परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। उन शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय लेकर स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजो रूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्य में अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ और ये वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वह वृत्तिमान कहलाता है। व्याहुति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्प आदि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम है त्वक श्रोत्र घ्राण नेत्र जिह्वा। इन सबको ज्ञान इंद्रियां कहा गया है।
दो पैर गुदा, दो हाथ वाक और उपस्थ, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। अब पंचभूतों के नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं उनका न्यास के लिए यहां वर्णन किया जाता है। मम ये बीज जीव स्वरूप अर्थात जीव तत्व का वाचक है, वह संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम ये प्राण तत्व का प्रतीक है, यह जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा बम बीज का हृदय में न्यास करे। फम फकार अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारण भूत मंस तत्व रूप पम का भी वही न्यास करें। शब्द तन्मात्र तत्व के बोधक नकार नम का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार धम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक दकार दम का नेत्र प्रांत में और रसन तन्मात्र के बोधक थकार थम का वस्ती देव मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्र स्वरूप तकार तम का पिंडरियों में न्यास करें। नकार नम का दोनों कानों में न्यास करके ढकार धम का त्वचा में न्यास करें। डकार डम का दोनों नेत्रों में, ठकार थम का रसना में, टकार तम का नासका में और नकार नम का वाग इंद्रियों में न्यास करें। विद्वान पुरुष पानी तत्व रूप झंकार जम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जम का दोनों पैरों में, छम का पायों में और चम का उपस्थ में न्यास करें। डम का पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसका युगल चरणों में न्यास करे। घम का वस्ती में और तेजस स्वरूप मम गम का हृदय में न्यास करे। खम वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासका में न्यास करें। कम आकाश तत्व रूप है, विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करे। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें षोडश कलाओं से युक्त सम का न्यास करें। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप वर्णी मंडल का चिंतन करे। सुर श्रेष्ठ उसमें प्रणव सहित हम का न्यास करे। ओम आम नमः परमेष्ठ आत्मने, ओम आम नमः पुरुषात्मने, ओम नमो नित्यात्मने, ओम नाम नमो विश्वात्मने, ओम वम नमः सर्वात्मने। ये पांच शक्तियां बताई गई हैं। स्नान क्रम में प्रथमा शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन क्रम में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान क्रम में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचवीं शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये पांच उपनिषद हैं। इसके मध्य में मंत्र में श्री हरि का ध्यान करके शकार शम का न्यास करें। तंत्र जिस मूर्तियों की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमः भक्ते वास्तेवाय ये मूल मंत्र है। मस्तक नासका लाट मुख कंठ हृदय दो भुजा दो पिंडली और दो चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में, गोविंद का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठ भाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाप का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदय आदि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ये आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है, अर्थात जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवीकरण की क्रिया होनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम है उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों से भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर
हृदय आदि अंगों का तथा द्वादश अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें, वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करके पूर्वत शरीर और वस्त्र आभूषणों सहित भगवान जी के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 अरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वह चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पृष्ठ देश में प्रकृति आदि का निवेश करें। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करें। तंत्र वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें। चक्र की नाभि में 3 वसन का चिंतन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर द्वादश पद्म का चिंतन करें। उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें। फिर प्रतिमा में श्री हरि का न्यास करके गुरु वहां श्री हरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भरी भांति पूजन करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उसके द्वारा केशव आदि भगवत विरहों की क्रमशः पूजा करें। द्वादश अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रमशः अर्चना करें। तंत्र द्विज गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पुरुष सुख से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सुख से पिंडका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तंत्र विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्रणयन करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्रणयन करे, पूर्व कुंड में अग्निम इनिन इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निम अग्निम हविम भी इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्रणयन करे। अग्नि प्रणयन काल में तम अग्नि द्योभि इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 संविधाओं का तथा जौ आदि का भी होम करें। व्याहुति मंत्र से घृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुर त्रय अर्थात घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती इन 4 नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावे। गायत्री से ही होम और बलि दे, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावे। मास अधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को स्वर्ण और गौ की दक्षिणा दे। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करे, उसमें वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भाग